हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हर्निया के बारे में। और हर्निया का ऑपरेशन अगर आपका हो गया है तो आपको क्या करना है, क्या ये हर्निया द्वारा हो सकता है ऑपरेशन होने के बाद? जी हाँ, ऑपरेशन होने के बाद भी हर्निया द्वारा से हो सकता है अगर आप सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तो। अगर ऑपरेशन आपका हो गया है हर्निया का तो आपको सावधानियाँ क्या रखनी है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हर्निया ऑपरेशन होने के बाद भी हर्निया हो सकता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट है, हर्निया हो सकता है अगर आपका ऑपरेशन हो गया है तो। चलिए कैसे हो सकता है इसके कारण समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हर्निया होता है इसका मतलब होता है कि जैसे हर्निया नीचे, जब आप आंतों का हर्निया होता है तो उसमें होता क्या है, जब आपकी आंतें होती हैं वो इंग्वाइलन रिंग में चली जाती है, यानी कि वो बाहर अपनी जो पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ऑपरेशन होने के बाद भी कैसे हो सकता है द्वारा से। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ है, किस ऑपरेशन किस बेसिस पर हुआ है, और उसके स्टिच किस तरीके से लगे हैं, यानी कि जो वहाँ पर टांके लगाए गए हैं किसने लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, और कितने एक्सपर्टी के साथ लगाए गए हैं, तो इस पर पूरा डिपेंड करता है। चलिए इसके अलावा और क्या क्या बात रखते हैं। जैसे कई कई सर्जन्स होते हैं जिनको ऑपरेशन एक दिन में 10 ऑपरेशन करने हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी लोकल, किसी जैसे मेडिकल स्टाफ है कोई, या किसी कंपाउंडर, या किसी अदर असिस्टेंट ने स्टिच लगाए तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है। या फिर हो सकता है अगर ऑपरेशन होने के बाद आपको कंटिन्यूस खांसी रहे या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहे। देखिए पॉइंट वाली बात यही है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हर्निया ऑपरेशन हो गया लेकिन उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी रहती है, तो आप क्या करेंगे, जब आप स्टूल के लिए जाएंगे, जब आप स्टूल होने के लिए सुबह सुबह जाएंगे तो आपको उस टाइम पर प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने की वजह से मोस्टली हर्निया हो जाते हैं, तो आपको ऑपरेशन के बाद भी हर्निया हो सकता है। अगर आपको बार बार खांसी आती है, ऑपरेशन के बाद में, तो भी आपको हर्निया होने के चांस होते हैं, क्योंकि प्रेशर बनता है, एब्डोमिन का प्रेशर बनता है, एब्डोमिनल का प्रेशर होने की वजह से हर्निया मोस्टली ज़्यादा देखे गए हैं और ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। आपको अवॉइड करना है, अगर आपको खांसी है तो तुरंत मेडिसिन लें, अपने डॉक्टर से बताएं। आपको कॉन्स्टिपेशन है तब भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत जाके उनसे मेडिसिन लें, और आपको ऐसी परेशानियों से आप बच सकते हैं। आशा करता हूँ ब्रेंड से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स ज़रूर आपके लिए ओपन है, कमेंट करना। और आपसे रिक्वेस्ट है, एक हमारा नया चैनल है डॉक्टर ऑल इन वन के नाम से, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।